डिटेल विच पढ़िया, जिस विच असी अलग अलग तरह के टिशूज पढ़े, मेरिस्टेमैटिक टिशू, परमानेंट टिशू एंड सिक्रीटरी टिशू। मेरिस्टेमैटिक टिशूज दे विच बच्चों असी पढ़िया सी एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो परमानेंट टिशूज जिहड़े सी ओह असी डिस्कस किए सीगे कि ओह दो तरह के होंदे ने, सिंपल ते कॉम्पलैक्स। सिंपल विच असी पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा ते स्कलेरेनकाइमा बारे पढ़िया, ते कॉम्पलैक्स परमानेंट टिशूज दे विच असी जाइलम ते फ्लोएम बारे पढ़िया, ते थर्ड काइंड ऑफ टिशू असी पढ़िया सिक्रीटरी टिशू। सो बच्चो, अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक है दैट इज टिशू सिस्टम्स इन प्लांट्स एंड एनाटमी ऑफ स्टेम। सो टिशूज बच्चो असी पढ़ चुके हाँ कि डिटेल विच टिशू की हुंदे हैं। टिशू जड़े हैं दे आर ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सैल्स, इको जे या अलग अलग तरह के ओ सैल्स का समूह जिहड़ा कि एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है ते इसका कॉमन ओरिजन हुंदा है। सो हुण असी अपने मेन टॉपिक के उपर आने हाँ जिहड़ा है टिशू सिस्टम्स। बच्चों, टिशू सिस्टम्स की है? सो जिवें असी पढ़िया कि टिशू जड़ा है ओ सैलां दा समूह है। टिशू सिस्टम क्या है? ओ टिशूज दा समूह है। टिशू सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ टिशूज टू परफॉर्म सेम जनरल फंक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन प्लांट बॉडी। सो टिशू सिस्टम जड़ा है ओ टिशूज दा समूह है जिहड़ा कि प्लांट विच जिथे मर्जी प्रेजेंट होवे लेकिन इको जिहा फंक्शन परफॉर्म करदे ने, उस नूं असी की कहने हैं? टिशू सिस्टम्स। हुण असी बच्चों डिस्कस करांगे टिशू सिस्टम दीयां टाइप्स। सैक्स नाम दे साइंटिस्ट ने प्लांट्स दे विच तीन तरह के टिशू सिस्टम्स नूं आइडेंटिफाई किया। किहड़े किहड़े टिशूज हैं बच्चो? टिशू सिस्टम्स हैं एपीडर्मल टिशू सिस्टम, सैकेंड वन इज फंडामेंटल और ग्राउंड टिशू सिस्टम, थर्ड इज वैस्कुलर टिशू सिस्टम। किहड़े किहड़े टिशू सिस्टम हो गए? एपीडर्मल टिशू सिस्टम, सैकेंड वन इज फंडामेंटल और ग्राउंड टिशू सिस्टम, थर्ड वन इज द वैस्कुलर टिशू सिस्टम। सो बच्चो, असी इन्हां सारे टिशू सिस्टम्स नूं डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। सो बच्चो, तुहानू डायग्राम नज़र आ रही है टिशू सिस्टम्स बारे। सो जे असी देखिए कि ए रूट दा सैक्शन असी कट्टीए तां सानू तीन तरह के टिशू सिस्टम्स नज़र आते हैं। जिहड़ा बार वाइट सर्कल है वह क्या है? डर्मल टिशू सिस्टम, एपीडर्मल टिशू सिस्टम। जिहड़ा ए येलो कलर का नज़र आ रहा है वह है ग्राउंड टिशू सिस्टम। जिहड़ा सेंटर विच पर्पल नज़र आ रहा है वह है वैस्कुलर टिशू सिस्टम। इस तरह जे असी स्टेम का सैक्शन कट्टीए तां आ बार वाला वाइट जिहड़ा सर्कल है वह है एपीडर्मल टिशू सिस्टम, येलो वाला जड़ा है दैट इज़ द ग्राउंड टिशू सिस्टम, और जड़ा पर्पल है दैट इज़ द वैस्कुलर टिशू सिस्टम। ऐसे तरह असी लीफ विच लईए, लीफ दे विच सानू सैक्शन जदों असी कटदे हैं तां उपर ए वाली वाइट लाइन जड़ी नज़र आ रही है ये है अपर एपीडर्मल टिशू सिस्टम, आ नीचे वाला लोअर एपीडर्मिस। पर्पल कलर का वैस्कुलर टिशू सिस्टम, ये येलो कलर का जड़ा है दैट इज़ द ग्राउंड टिशू सिस्टम। इधर साडे को लीफ का सैक्शन है, इस विच ए अपर एपीडर्मिस, ए नीचे वाले सैल्स लोअर एपीडर्मिस, दैन ए ग्राउंड टिशू प्रेजेंट है, ते थर्ड जड़ा टिशू सिस्टम है दैट इज़ द वैस्कुलर टिशू सिस्टम जिस विच जाइलम ते फ्लोएम है। सो बच्चों, थानू क्लीयर हो गया होएगा कि तीन तरह के टिशू सिस्टम्स केड़े केड़े ने। दैट इज़ द एपीडर्मल टिशू सिस्टम, सैकेंड वन इज ग्राउंड टिशू सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द वैस्कुलर टिशू सिस्टम। सो बच्चों, असी फर्स्ट टिशू सिस्टम डिस्कस करन जा रहे हैं, वो है एपीडर्मल टिशू सिस्टम। सो बच्चों, एपीडर्मल टिशू सिस्टम क्या है? एपीडर्मल टिशू सिस्टम ओ टिशूज दा समूह है जिहड़ा किस तो राइज करता है? एपिकल मेरिस्टेम दी आउटर मोस्ट लेयर तो, बिल्कुल बाहर वाली लेयर तो। बच्चों, असी पढ़िया सी एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल एज द नेम इंडिकेट्स, दिस टाइप ऑफ टिशू इज प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ रूट और स्टेम। ऐसे तरह मेरिस्टेम, मेरिस्टेम बच्चों असी डिस्कस किया सीगा कि ओ सेल्स ने जिहड़े कि कॉन्टीन्यू स्टेट ऑफ डिवीजन विच है, जिहड़े कि बार बार डिवाइड करते रहते हैं, उन्होंने असी की कहने हैं मेरिस्टेमैटिक सेल्स।
सो ए टिशू सिस्टम जिहड़ा है एपीडर्मल टिशू सिस्टम जिहड़ा है वह किस तो अराइज हुंदा है एपिकल मेरिस्टेम दी बिल्कुल बार वाली लेयर तो ते एपीडर्मल टिशू सिस्टम जिहड़ा है सारे ही प्लांट ऑर्गन्स दे विच चाहे वह रूट है चाहे वह स्टैम है चाहे वह लीफ है उस दी बार वाली कवरिंग नूं बनांदा है सो बच्चो तुहाडे सामने डायग्राम है इस विच तुसीं बार वाली लेयर देख रहे हो सिंगल लेयर डार्क है उस नूं असीं किसदा नाम दिता होया एपीडर्मिस ए विच वाला जिहड़ा टिशू है दैट इज़ द ग्राउंड टिशू ते सेंट्रल वन जिहड़ा बिल्कुल सेंटर दे विच है वह है वैसकुलर टिशू सो एपीडर्मल टिशू सिस्टम जिहड़ा है वह सारे प्लांट ऑर्गन्स की बार वाली कवरिंग नूं फॉर्म करता है सो एपीडर्मल टिशू सिस्टम्स के किहड़े किहड़े कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट इज एपीडर्मिस सो बच्चों डायग्राम दे विच सानू नज़र आ रहा है कि एपीडर्मिस जिहड़ी है वह सिंगल लेयर्ड है ये जनरली इको लेयर की बनी हुई हुंदी है और एपीडर्मस के जिहड़े सैल्स है दे वेरी इन शेप एंड साइज वह ओवल भी हो सकते हैं रैक्टेंगुलर भी हो सकते हैं तो पॉलीगनल भी हो सकते हैं तो सैल्स बच्चों जनरली पैरेनकाइमेटस होंगे हैं आप पढ़ चुके हैं पैरेनकाइमा टिशू सो सैल्स की होंगे हैं पैरेनकाइमेटस और लिविंग सैल्स होंगे ये ध्यान रखना है पैरेनकाइमेटस सैल्स जड़े ने लिविंग होंगे ने उन्होंने की प्रेजेंट होंगे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सेंटर दे विच एक वैक्यूल प्रेजेंट होंगे ते नाल ही साइटोप्लाजम प्रेजेंट होंगे सो दैट इज अबाउट द एपीडर्मिस ते बच्चों कई बार कुछ प्लांट्स दे विच एपीडर्मल सैल्स जड़े हैं वो मॉडिफाई हुए होंगे हैं इनटू वैरायटी ऑफ सैल्स सो सानू डायग्राम दे विच नज़र आ रहा उपर वाली डायग्राम दे विच कि जदों एरियल रूट्स हैं जड़ियाँ रूट्स हवा विच लटकदियाँ ने कई प्लांट्स की होंगे हैं कई वेलां जड़ियाँ ने वो कई प्लांट्स के उपर चढ़ जांदियाँ तो उन्हां दे विच एरियल रूट्स जड़ियाँ ने उन्हां विच ये जड़े एपीडर्मल सैल्स हैं वो मैनी लेयर्ड हो जाते हैं तो लार्ज साइज हो जाते हैं तो बच्चे इस तरह के स्पैशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ नूं असीं की कहने एपीडर्मल सैल्स नूं असीं की कहने दैट इज़ कॉल्ड एज वेलेमन सो आ सानू नज़र आ रहे हैं एपीडर्मिस पूरा इस विच ए मैनी लेयर्ड है मल्टी सीरीयट है बजाय कि यूनीसीरीयट दे सिंगल लेयर तो बिना तो ये सैल्स जड़े हैं लार्ज साइज ने ते एरियल रूट्स विच असी इन्हां एपीडर्मल सैल्स नूं की कहने बच्चों दैट इज कॉल्ड एज वेलेमन इसे तरह असी सैकेंड डायग्राम दे विच देख रहे हैं कि कुछ ग्रासिस दे विच जड़े लीव्स ने उन्हां दे विच कुछ सैल्स जड़े हैं वह लार्ज साइज्ड हैं आ सानू नज़र आ रहे ने दीज आर द लार्ज साइज सैल्स तो इन्हां ग्रासिस दे विच लीव्स दे एपीडर्मल सैल्स नूं बच्चों असी की कहने हैं दे आर कॉल्ड एज बुली फॉर्म और मोटर सैल्स सो ये एक्सेप्शनस हैं जनरली एपीडर्मिस की है सिंगल लेयर्ड है लेकिन कई प्लांट्स दे विच रूट्स दे विच या लीव्स दे विच ये सैल्स जड़े हैं लार्ज साइज बन जाते हैं तो मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं एरियल रूट्स विच बच्चों असी इसनूं की कहने हैं दैट इज़ कॉल्ड एज वेलेमन की कहा जाता है वेलेमन ते ग्रासिस विच इसनूं की कहा जाता है बुलीफॉर्म और मोटर सैल्स नैक्सट बच्चों साडे कोल आ जाता है सैकेंड पार्ट एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम का कंपोनेंट दैट इज क्यूटिकल एंड वैक्स ये बच्चों ध्यान रखना है कि जनरली जड़े स्टैम्स ने ते मैच्योर रूट्स ने या लीव्स हैं उन्होंने सानू की नज़र आ रहे हैं एपीडर्मल सैल्स सानू डायग्राम बहुत ज़्यादा क्लीयर है एपीडर्मल सैल्स दे बाहर एक सानू कवरिंग नज़र आ रही है वाली कवरिंग इस नूं असीं की कहने हैं दैट इज़ कॉल्ड एज क्यूटिकल सो बच्चों क्यूटिकल जड़ी है दैट इज़ मेड अप ऑफ अ फैटी सबस्टांस कॉल्ड एज क्यूटिन एंड इट इज़ डिपॉजिटिड ओवर द आउटर सरफेस ऑफ एपीडर्मिस एपीडर्मिस दे बिल्कुल बाहर जड़ी सानू नज़र आ रही है लेयर वो कादी है दैट इज ऑफ क्यूटिकल सो बच्चों ये ध्यान रखना है कि क्यूटिकल जड़ी है एपीडर्मिस से बाहर वाली जड़ी लेयर है क्यूटिकल है वो यंग रूट्स के विच एबसेंट होंदी है जनरली स्टैम्स के विच ते मैच्योर रूट्स के विच ते लीव्स के विच क्यूटिकल प्रेजेंट होंदी है लेकिन जिहड़ियां बिल्कुल यंग रूट्स ने उन्हां विच ए एबसेंट होंदी है
और इस तो अलावा बच्चों क्यूटिकल जड़ी है दैट इज कवर्ड विद वैक्स। इस तो अलावा कद ना कवर्ड हुंदी है कई प्लांट्स के विच वैक्स नाल कवर्ड हुंदी है, जिवें बच्चों हाइड्रोफाइट्स ने पानी विच प्रेजेंट है प्लांट्स उन्हां दे पत्ते या उन्हां दे होर पार्ट्स जड़े ने वो पानी विच रहिंदे हैं कॉन्टीन्यूस, तो उन्हां दे उपर क्यूटिकल दे उपर वैक्स की डिपोजिशन हुई हुंदी है। तो ये जड़ी डिपोजिशन है वैक्स की एक ग्रैनुअल्स की फॉर्म विच हो सकती है, रॉड्स की फॉर्म विच हो सकती है या क्रस की फॉर्म दे विच हो सकती है। सो क्यूटिकल क्या है, इट इज अ कवरिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ एपीडर्मल सेल्स मेड अप ऑफ फैटी सबस्टांस कॉल्ड क्यूटिन। ते क्यूटिकल दे बार की प्रेजेंट है बच्चों, कादी डिपोजिशन हो सकती है कई प्लांट्स दे विच, वैक्स कैन बी डिपोजिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ क्यूटिकल इन द फॉर्म ऑफ ग्रैनुअल्स रॉड्स क्रस एटसेट्रा। नेक्स्ट बच्चों साढ़े को आता है स्टोमैटा। सो स्टोमैटा बच्चों ध्यान रखना है कि इट इज मेनली प्रेजेंट इन एपीडर्मिस ऑफ लीव। सानू सारयां नू पता है, असी छोटे हुंदे तो पढ़ते आ रहे हैं कि स्टोमैटा जड़े ने वो छोटे छोटे पोर्स ने पत्तियां विच जेड़े कि गैसियस एक्सचेंज दे विच हेल्पफुल हुंदे हैं। सो असी पिछली स्लाइड दे विच देखिया कि आ सानू नज़र आ रहे ने एपीडर्मल सैल्स दे नाल ही आ पोर नज़र आ रही है दैट इज़ द स्टोमा, स्टोमा नज़र आ रहा है। सो सारे ही लीव्स दे विच लीव्स दी अपर सरफेस दे उपर या लोअर सरफेस दे उपर की प्रेजेंट हुंदे हैं, स्टोमैटा प्रेजेंट हुंदे हैं। ते हर एक स्टोमा जड़ा है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कादा बनया होया बच्चों, किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड गार्ड सेल्स विच एनक्लोज अ स्टोमैटल पोर। इत्थे की प्रेजेंट है पोर, सो ये दो सैल्स ने, इन्हां नूं असी की नाम दिता होया गार्ड सैल्स, की कहा जाता इन्हां नूं गार्ड सैल्स। सो बच्चा गार्ड सैल्स भी सानू वैक्यूल नज़र आ रहे हैं, आ ग्रीन कलर दे सानू क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहे ने, ते ए क्लोरोप्लास्ट कद विच हेल्प करदे हैं फोटोसिंथेसिस दे विच। सो देयर इज प्रेजेंट अ पोर और ए जड़ी है दीज आर द किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड गार्ड सैल्स। सो बच्चे ध्यान रखना है कि स्टोमा दे जड़े गार्ड सैल्स दी बाहर वाली लेयर है ए लेयर थिन हुंदी है, ते अंदर वाली जड़ी बिल्कुल ही पोर दे नाल प्रेजेंट है उस नूं असी की कहने हैं कि वो थिक वॉल्ड हुंदी है। सो दिस इज थिन वॉल्ड, ते पोर दे बिल्कुल नाल वाली की है थिक वॉल। सो पोर असी देख ली है, गार्ड सैल्स, गार्ड सैल्स, पोर, ते इहदे नाल बच्चो जड़े बाहर सानू नज़र आ रहे ने एपीडर्मल सैल्स इन्हां नूं असी की कहने हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी सैल्स और द सबसिडरी सैल्स। आ नज़र आ रहे बच्चों थानू स्लाइड दे विच एक्सेसरी सैल और द सबसिडरी सैल्स। सो स्टोमैटल अपरेटस क्या है, दीज टू गार्ड सैल्स पोर एंड दीज एक्सेसरी सैल्स और द सबसिडरी सैल्स दे टूगैदर फॉर्म द स्टोमैटल अपरेटस। इस नूं असी की कहने हैं स्टोमैटल अपरेटस। सो स्टोमैटल अपरेटस दे विच बच्चों की प्रेजेंट है दो गार्ड सैल्स, किडनी शेप्ड गार्ड सैल्स, सेंटर विच पोर है एंड उस नूं सराउंड कर रहे ने एक्सेसरी सैल्स और द सबसिडरी सैल्स। इन्हां सारयां दे समूह नूं असी की कहने हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टोमैटल अपरेटस। सो स्टोमैटल अपरेटस जिहड़ा है उस विच गार्ड सैल्स हो गए, दो किडनी शेप्ड गार्ड सैल्स हो गए, एक स्टोमैटल अपर्चर जिन्हों की असी पोर किया, ते बार की सराउंड कर रहे ने सबसिडरी सैल्स या इन्हों का होर की नाम है एक्सेसरी सैल्स, दे टूगैदर फॉर्म द स्टोमैटल अपरेटस। उस तो बाद जड़ा कंपोनेंट है उस विच की होएगा हेयर ने। सो बच्चों हेयर जड़े ने वह भी एपीडर्मल सैल्स दियाँ आउटग्रोथ्स हैं। सो बच्चों उपर देखो तुसी डायग्राम दे विच, उपर वाली डायग्राम दे विच ए एपीडर्मिस दा सैल है, एपीडर्मल सैल है, इस तो बिल्कुल उपर एक यूनीसैलूलर रूट हेयर जड़ा है वो निकल रहा। सो रूट हेयर्स की ने, रूट हेयर्स आर यूनीसैलूलर इलोंगेशंस ऑफ एपीडर्मल सैल। यूनीसैलूलर मीन्स इको ही सैल दे बने हुए ने। सो एपीडर्मिस तो अराइज हुंदा है सिंगल सैल्ड रूट हेयर जिहड़ा कि रूट्स दे विच वाटर दी एब्जॉर्प्शन विच हेल्प करदा है। बच्चों
हुण तक तुसी सुनदे आ रहे हो कि रूट दे उपर रूट हेयर प्रेजेंट है, लेकिन स्टैम्स दे विच भी, कई स्टैम्स दे विच भी एपीडर्मल हेयर्स प्रेजेंट हुंदे हैं। तां इन्हां एपीडर्मल हेयर्स नूं स्टैम दे विच बच्चो की कहा जांदा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। की कहा जांदा है? ट्राइकोम्स। सो बच्चो ट्राइकोम्स जिहड़े ने ओह यूनीसैलूलर भी हो सकते हैं, जिवें कि सानूं डायग्राम विच नज़र आ रहे हैं, मल्टी सैलूलर भी हो सकते हैं, ए अनब्रांच ने, ये सानू अनब्रांच ट्राइकोम्स नज़र आ रहे हैं, ब्रांचड भी हो सकते हैं, और ए ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, ए ग्लैंडुलर है, तो नॉन ग्लैंडुलर भी, मीनस वो सिक्रीशंस भी सिक्रीट कर सकते हैं ट्राइकोम्स, तो नई सिक्रीशंस भी सिक्रीट कर सकते जो नॉन ग्लैंडुलर है, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं तो या ये स्टिफ हो सकते हैं। सो बच्चो हेयर्स की हो गई, ये भी इलोंगेशंस हो गई एपीडर्मल सैल्स दियाँ। सो रूट हेयर्स की ने, दे आर द इलोंगेशंस ऑफ एपीडर्मल सैल्स। सो रूट्स विच भी प्रेजेंट हो सकदियाँ ने, ते स्टैम्स दे विच इन्हां नूं असी की नाम दिता होया है, ट्राइकोम्स। सो ट्राइकोम्स जिहड़े ने, दे कैन बी यूनीसैलूलर, मल्टी सैलूलर, मे बी ब्रांच और अनब्रांच, मे बी ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, मे बी सॉफ्ट और स्टिफ। सो बच्चो एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम दे विच असी पढ़िया की प्रेजेंट है, एपीडर्मिस प्रेजेंट है, क्यूटिकल एंड वैक्स प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, ते होर की प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट। सो दैट वॉज एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। उस तो बाद बच्चों साढ़े को आ जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू असी किसनों कहते हैं? सारे टिश्यूज किसी भी रूट विच, किसी भी स्टैम विच या किसी भी लीफ विच, एक्सैप्ट किनू छड़ना सी? एपीडर्मिस एंड वैसकुलर बंडल्स। सो ऑल टिश्यूज एक्सैप्ट एपीडर्मिस एंड वैसकुलर बंडल्स, दे कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू। उसनों असी की कहने हैं? ग्राउंड टिश्यू। सो एपीडर्मिस बच्चों असी पढ़िया कि वह किदा पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो वैसकुलर बंडल्स जड़े ने, दे आर द पार्ट ऑफ वैसकुलर सिस्टम। सो सारे वो टिश्यूज एपीडर्मिस ते वैसकुलर बंडल्स नू छड़ के की कॉन्स्टिट्यूट करते ने? ग्राउंड टिश्यू। सो ग्राउंड टिश्यू दे केड़े केड़े पार्ट्स हैं? इट इनक्लूड्स कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल एंड पिथ। की हैं? कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, नाल मेडलरी रेज भी हुंदियां ने, एंड पिथ। सो बच्चों असी पहला पार्ट जिहड़ा कि कॉर्टेक्स दा है, उसनों डिस्कस करन जा रहे हैं। कॉर्टेक्स क्या है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एपीडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। किदे विच प्रेजेंट हुंदा है? यह एपीडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। सो बच्चों डायग्राम च तुहानूं नज़र आ रही है जिहड़ी बाहर वाली लेयर है, दैट इज ऑफ एपीडर्मिस। ए वाली जिहड़ी रेड कलर की लेयर है, दैट इज एंडोडर्मिस। सो एपीडर्मिस ते एंडोडर्मिस, इन्हां दे विच आ वाले जिहड़े टिश्यू ने, दीज आर कॉल्ड एज द सैल्स ऑफ कॉर्टेक्स। इन्हां नूं आपां की कहने हैं? सैल्स ऑफ कॉर्टेक्स। बचो ए पैरेनकाइमेटस भी हो सकते ने, कॉलेनकाइमेटस भी हो सकते ने, या ए सकलैरनकाइमेटस भी हो सकते ने। सो सैल्स में भी पैरेनकाइमेटस, कॉलेनकाइमेटस और सकलैरनकाइमेटस। रूट्स विच जनरली पैरेनकाइमेटस होंगे हैं, पढ़े हुए हैं बच्चों अपर टिश्यूज़ दे विच पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड सकलैरनकाइमा, जिहड़े कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का पार्ट ने। लेकिन स्टैम्स दे विच बच्चों की होंगे कि जिहड़ियां बाहर वालियां दो या तीन लेयर्स हैं, वो डिफरेंशिएट हो जांदियां ने इंटू कॉलेनकाइमेटस और सकलैरनकाइमेटस हाइपोडर्मिस दे विच। सो बार वालियां दो तीन लेयर्स नू, ये तां रूट दी स्ट्रक्चर है, स्टैम दे विच जिहड़ियां दो तीन लेयर्स हैं वो किहदे विच मॉडिफाई हुंदियां ने? हाइपोडर्मिस दे विच। सो बच्चो कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन की है? कॉर्टेक्स हैल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड। कद विच हैल्पफुल है? ये पानी ते भोजन नू स्टोर करन विच हैल्प करदा है। इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द प्लांट बॉडी।
एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मकैनिकल सपोर्ट. मकैनिकल सपोर्ट कदों प्रोवाइड करता है? वैन द सैल्स बिकम सकलैरन काइमेटस. सो असी पढ़ चुके हैं कि सकलैरन काइमेटस टिशू दे विच सकलैरन काइमा फाइबरस ते सकलीरिड्स हुंदियां ने जिहड़ियां कि मेनली की प्रोवाइड करदियां ने मकैनिकल सपोर्ट. इस तों इलावा बच्चों हाइड्रोफाइट्स दे विच, हाइड्रोफाइट्स की हुंदे ने? पानी विच उगण वाले पौधे. सो अक्वैटिक प्लांट्स नूं असी की कहिंदे आ? हाइड्रोफाइट्स. सो उन्हां दे विच जिहड़े कॉर्टेक्स है उहदे सैल्स दे विच वड्डियां वड्डियां एयर स्पेसिस हुंदियां ने जिहड़ियां कि कद विच हैल्पफुल ने गैसियस एक्सचेंज दे विच ते बायोन्सी दे विच ओह प्लांट्स नूं फ्लोट करन दे विच हैल्प करदियां ने. सो दैट इज़ अबाउट द कॉर्टेक्स. नैक्सट बच्चों साडे कोल इहदा सैकेंड पार्ट जिहड़ा है दैट इज़ एंडोडर्मिस. सो डायग्राम, उपर वाली डायग्राम दे विच तुसीं देख रहे हो दीज आर द सैल्स ऑफ कॉर्टेक्स. ए वाली जिहड़ी लेयर सानू नज़र आ रही है दिस वन, ए सारी सर्कल दे विच सानू लेयर नज़र आ रही है दैट इज़ द लेयर ऑफ एंडोडर्मिस. सो एंडोडर्मिस बच्चों कित्थे प्रेजेंट है? दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्टेक्स. ए वाली जिहड़ी अंदर वाली लेयर है दैट इज़ पेरीसाइकल. सो कॉर्टेक्स ते पेरीसाइकल दे विच वाली जिहड़ी लेयर है दिस वन, इहनू असीं की कहिंदे आ? दैट इज़ कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. सो बच्चों इस विच सैल्स जिहड़े ने ओह सिंगल लेयर्ड ने, सिंगल लेयर है इह, एंड सैल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विच आर मेनली पैरेनकाइमेटस इन नेचर. सो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली मीन्स टाइटली पैक्ड है विदाउट एनी इंटरसैलुलर स्पेस. कॉर्टेक्स दे विच बच्चों इंटरसैलुलर स्पेसिस हुंदियां, दो सैल्स दे विच तीन सैल्स दे विच स्पेसिस पाईयां जांदियां ने, लेकिन एंडोडर्मिस जिहड़ा है दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सैल्स बिटवीन कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकल. सो इहदे जिहड़े सैल्स ने दे आर लार्ज बैरल शेप सैल्स, वड्डे वड्डे सैल्स ने सानू आ नज़र आ रहे ने, एंड दे पोसेस द स्पेशल स्ट्रिप्स. बच्चों आ ब्लू सैल्स दे विच थानू रेड कलर दी स्ट्रिप नज़र आ रही है, ए स्ट्रिप जड़ी है सानू ए वाली जड़ी वॉल है दैट इज़ द ट्रांसवर्स वॉल, ते ए वाली जड़ी साइड वॉल है दैट इज़ कॉल्ड एज द रेडियल सैल वॉल. सो इन्हां दी रेडियल ते टजेंशियल सैल वॉल्स दे उपर ट्रांसवर्स ते ट्रांसफर सैल्स वॉल्स के उपर की प्रेजेंट है? देर आर प्रेजेंट स्ट्रिप्स. इन्हों स्ट्रिप्स नूं असी की कहने हैं? दे आर कॉल्ड एज कैसपेरियन स्ट्रिप्स. सो बच्चों ये जिहड़ियां कैसपेरियन स्ट्रिप्स हैं दे आर मेड अप ऑफ फैटी सबस्टांस सुबेरिन. कादी बनी हुई ने? फैटी सबस्टांस सुबेरिन दी. एंड द सैल्स ऑफ एंडोडर्मिस ये की बनाते ने? दे फॉर्म द वॉटर टाइट जैकेट अराउंड वैसकुलर सिलेंडर. सो बच्चों तुहानू डायग्राम च उपर वाली डायग्राम च नज़र आ रहा है दिस इज़ द वैसकुलर सिलेंडर. सो ये बिल्कुल बाहर एक वॉटर टाइट जैकेट बना देंगे हैं एंड इट मेनटेन्स द रूट प्रैशर. सो दैट इज़ अबाउट द एंडोडर्मिस. नैक्सट बच्चों साढ़े को आ जाता है पेरीसाइकल. हमने थोनों दसिया है कि एंडोडर्मिस के बिल्कुल नीचे, सो यह सानू डायग्राम नज़र आ रही है एंडोडर्मिस के बिल्कुल नीचे वाली लेयर नूं असी की कहने हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज पेरीसाइकल. सो इट कैन बी सिंगल लेयर. बच्चों कई प्लांट्स के विच, कई रूट्स के विच, कई स्टैम्स के विच ए सिंगल लेयर हुंदी है, जनरली सिंगल लेयर हुंदी है, बट इट कैन बी मल्टी लेयर्ड. और इहदे जिहड़े सैल्स हैं दे कैन बी थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड एंड दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड वैसकुलर टिश्यू. सो बच्चों तुहानू डायग्राम दे विच नज़र आ रहा है ए वाली लेयर एंडोडर्मिस की है, दिस इज़ द वैसकुलर सिल बंडल. इन्हों दोहां दे विच जिहड़ी ए लेयर प्रेजेंट है दैट इज़ ऑफ पेरीसाइकल. सो नैक्सट जिहड़ा पार्ट है दैट इज़ द मेडलरी रेस. सो बच्चों ध्यान नाल देखो ये दो वैसकुलर बंडल सानू नज़र आ रहे हैं, इस दे विच ए वाली जिहड़ी स्पेस दे विच सैल सानू नज़र आ रहे हैं एक आदे ने दे आर द सैल्स ऑफ मेडलरी रेस. सो मेडलरी रेस कितने प्रेजेंट है? बिटवीन द टू एडजेसेंट वैसकुलर बंडल्स इन प्राइमरी डायकॉट प्लांट. डायकॉट बच्चों थानू पता है वह प्लांट्स जिन्हों के सीड्स विच दो कॉटिलीडनस होंगे ने उन्होंने आप कहने हैं? दे आर कॉल्ड एज डायकॉट प्लांट. सो मेडलरी रेस कितने प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट वैसकुलर बंडल्स इन प्राइमरी डायकॉट प्लांट. और ये जड़े सैल्स हैं वो कादे बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ
parenchymatous cells and they also originate from apical meristem. Kitho form hunde hai? Apical meristem to. And they are helpful. Medullary is kadli helpful hai. They are helpful in lateral transport. Lateral transport de vich helpful hai. Next article part a janda hai, that is the pith. Pith bachyo kya hai? That is the central portion of root and stem. Wapas chaliye pichli slide de upar. So diagram de vich sanu a nazar aa rahe hai. This portion is the pith. E ki hai? Pith da portion hai. Aur is de cells vi ki humde ne? They are parenchymatous. Parenchymatous hai. Having large number of intercellular spaces. So bachyo cells de vich sanu space nazar aa rahi hai. That is called as the intercellular space. Aur pith da main kam ki hai? Ki main function hai? It helps in the storage of food. So kya hai? Central portion of root and stem is called as pith. Kadi bani hoi hai? Made up of parenchymatous cells with intercellular spaces. Function of pith ki hai? That is the storage of water and food reserves. So bachyo asi padhya ground tissue de kede kede parts hai? That is endodermis, cortex, pericycle, medullary rays and pith. Next tissue system jada si discuss karan ja rahe hai, that is the vascular tissue system. Vascular system de vich ki hai, that consists of complex tissues, xylem and phloem. So asi apne last lecture vich complex permanent tissues bare padhya si jede ki xylem te phloem hai. So vascular tissue system de vich ki paya janda hai? Xylem and phloem. So xylem and phloem jadon bundles which present hon osnu apa ki kehne hai, that is called as the vascular bundles. So xylem di position, xylem te phloem di position, xylem te phloem de bundles kai tarah de hunde ne. Types lahi assi radial bundles. So bachcho diagram de vich sanu nazar aa rahe hai ki xylem that is present in single bundle, this is called as xylem bundle. A saade kol ki hai, that is the phloem bundle. Blue color wale phloem bundles hai aur red color wale xylem bundles hai. So radial bundles ki hunde hai? O vascular bundles jinna de vich xylem te phloem, this one is phloem, this one is xylem, when they alternate with one another. Jadon ik dusre na alternate karan. So this xylem, this phloem, then phloem. So they are alternating with one another. Such type of bundles in which xylem and phloem strands alternate with each other, they are called as radial bundles. Next, conjoint bundles. Conjoint. Conjoint means ikatthe. Conjoint bundle ki hunda hai? O vascular bundle jis which xylem te phloem ikatthe hon. So bachcho upar wali diagram de vich dekho dhyan de nal, phloem and xylem. O bundle jis vich xylem te phloem ikatthe present hai osnu assi ki kehne hai, that is called as conjoint bundle. Us to baad sade kol aa janda hai collateral bundle. So when the phloem lies towards outside, outside the meaning ki hai, when it lies towards the cortex and xylem towards the inner side. Inner side means xylem kidhar lie kar raha hai, towards the pith. So such type of bundles in which phloem lies towards the outside, that means facing cortex, and xylem towards the inner side, that means facing pith. So such type of bundles are called as collateral bundles. Next is bicollateral bundles. Bicollateral bundles sanu niche wali diagram de vich nazar aa rahe hai. Phloem on upper side and phloem on the lower side and xylem in the center. So when the phloem strands, they are present on both sides of xylem, that is called as bicollateral bundles. So jadon phloem do strands de vich present hai te xylem nu surround kar rahe hai, that is called as bicollateral bundle. Next hai concentric bundle. O bundle jis vich ik tissue nu dusra tissue completely surround kar rahe hai. So diagram vich dekh rahe ho, ik diagram de vich phloem center ch hai, xylem us nu puri tarah surround kar rahe hai, dusre vich dekh rahe ho xylem center vich hai te phloem puri tarah surround kar rahe hai. So us tarah de bundle nu assi kehne concentric bundle. Do tarah de ho gaye, amphibasal and amphicribal. Amphibasal keda ho gaya? Jis vich phloem center vich lie karda hai te us nu xylem completely surround kar lenda hai.
दूसरा बच्चा हो गया दैट इज एम्फीक्राइबल जिस विच जाइलम सेंटर विच है ते फ्लोएम जड़ा है उसनों कंप्लीटली सराउंड कर लिया. सो एक टिश्यू नूं दूसरा टिश्यू कंप्लीटली सराउंड कर रहा है. सच टाइप ऑफ बंडल्स आर कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक बंडल्स. सो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल, कॉन्सेंट्रिक बंडल्स. नेक्स्ट असीं लईए ओपन वैसकुलर बंडल एंड क्लोज्ड वैसकुलर बंडल. ओपन वैसकुलर बंडल केड़ा हुंदा है जिस विच कैम्बियम प्रेजेंट है इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. सो जदों कैम्बियम दी स्ट्रिप प्रेजेंट होवे किथे जाइलम ते फ्लोएम दे विच इस तरह दे बंडल नूं असीं की कहिंदे आ बच्चों दैट इज कॉल्ड एज ओपन वैसकुलर बंडल. दूसरा हो गया क्लोज्ड वैसकुलर बंडल इन विच नो स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम इज प्रेजेंट. सच टाइप ऑफ बंडल इज कॉल्ड एज क्लोज्ड वैसकुलर बंडल. सो वैन कैम्बियम इज एबसेंट दैट बंडल इज कॉल्ड एज क्लोज्ड. When cambium is present, that is called as open vascular bundle. So that is about the vascular tissue system. Us to baad bachche assi lenne ha dicot stem. Dicot te monocot stem assi lavange. Dicot stem de vich apa pad chukke hain ki tissue system se vich epidermis present hai. So epidermis jada hai dicot stem de vich that will be ki hai. That is single layer. So, बच्चों थानू डायग्राम दे विच क्लियर नजर आ रहे हैं दैट इज द एपीडरमिस. एपीडरमिस प्रेजेंट है इदे बिल्कुल बार क्यूटिकल प्रेजेंट है. देयर आर द एपीडर्मल आउटग्रोथ्स कॉल्ड एज द एपीडर्मल हेयर. आर ये जड़ा है क्यूटिकल प्रेजेंट है मेड अप ऑफ क्यूटिन. असी हुने टिश्यू सिस्टम विच पढ़ के चुके हैं. उस तो बाद साढ़े कोल आ जाता है कॉर्टेक्स. सैकेंड पार्ट इज कॉर्टेक्स. सो बच्चे कॉर्टेक्स जड़ा है दैट इज मैनी लेयर्ड. सो डायग्राम भी सानू नजर आ रहा है दैट इज मैनी लेयर्ड. और कई प्लांट्स के बीच जड़ियाँ आउटर दो तो तीन लेयर्स ने आ बार वालियाँ सानू रेड कलर दिया नजर आ रही हैं दे बिकम कॉलेनकाइमेटस एंड दैट इज टर्म्ड एज हाइपोडर्मिस. हुने आपां पढ़िया कि हाइपोडर्मिस दे विच डिवेलप हो जाती हैं स्टैम्स के विच ते बाकी दे जड़े सैल्स बचे आ ग्रीन सैल्स सानू नजर आ रहे हैं दे आर पेरेनकाइमेटस. एक ही ने पेरेनकाइमेटस ने एंड हैव नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस. इन्हां विच इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है. नेक्स्ट साडे कोल एंडोडर्मिस है. बच्चों असीं एंडोडर्मिस भी हुने पढ़ के चुके हैं कि दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स. की ने बैरल शेप सेल्स हैं विच स्टोर स्टार्च. सो ये एंडोडर्मल सैल्स स्टार्च नूं भी स्टोर करते हैं और इस करके इस नूं असी की कहने हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टार्च शीथ. देखिए असी डायग्राम दे विच. सो दिस लेयर आ वाली जड़ी बार वाली लेयर है दिस वन दिस इज लेयर ऑफ एंडोडर्मिस. ए जड़ी है लार्ज बैरल शेप्ड सैल्स की है. इधर देखिए तो सानू ए वाली लेयर जड़ी है सर्कल दे विच नज़र आ रही है दैट इज ऑफ एंडोडर्मिस. ये सैल्स बैरल शेप्ड सेल्स ने एंड दे स्टोर स्टार्च. ड्यू टू स्टोरेज ऑफ स्टार्च दिस लेयर इज कॉल्ड एज स्टार्च शीथ. बिल्कुल ये नीचे दैट इज पेरीसाइकल. सो ये जी साढ़े को डायग्राम है इस विच पेरीसाइकल मैनी लेयर नज़र आ रहे हैं. कई बार ये सिंगल लेयर भी हुंदा है सिंगल लेयर भी हुंदा है एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस ते बिल्कुल नीचे पिया है और किदे विच लाई करता है बिटवीन द वैसकुलर सिलेंडर एंड द एंडोडर्मिस. सो दैट इज द पेरीसाइकल. उस तो बाद साढ़े कोल आ जाता है बच्चों दैट इज द वैसकुलर सिलेंडर. सो डायकॉट स्टैम दे विच बच्चों तुसी बहुत ध्यान रखना है कि एदे विच जड़े वैसकुलर बंडल्स हैं दे ऑलवेज लाई इन वन रिंग. इको ही रिंग विच प्रेजेंट हुंदे ने. और हुण असी देखिए जिहड़ियां हुणे असी वैसकुलर टिश्यू दे विच टर्म्स पढ़ के चुके हैं दैट इज कॉन्जॉइंट. कॉन्जॉइंट दा मीनिंग की है फिलोयम एज वेल एज जाइलम इज प्रेजेंट. नज़र आ रहा बच्चों दैट इज जाइलम दिस इज द फिलोयम. सो सच टाइप ऑफ वैसकुलर बंडल इज कॉल्ड एज कॉन्जॉइंट. उस तो बाद बच्चों कैम्बियम प्रेजेंट है. कैम्बियम दी स्ट्रिप प्रेजेंट है. आपां की नाम दिता सी कि जे कैम्बियम प्रेजेंट होवे सच टाइप ऑफ वैसकुलर बंडल इज कॉल्ड एज ओपन टाइप ऑफ वैसकुलर बंडल. कॉन्जॉइंट है ओपन हो गया एंड दैट इज कोलेट्रल. कोलेट्रल का मीनिंग की है फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड एंड जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड. सो बिल्कुल सेंटर दे विच देयर इज प्रेजेंट द पिथ.
और पिथ विच बच्चे केड़े सैल्स होंगे ने दैट इज़ द पैरेनकाइमेटस। सो हमने पढ़ के चुके हैं असी पिथ विच केड़े सैल्स हैं पैरेनकाइमेटस। इहदा मेन फंक्शन की है स्टोरेज ऑफ फूड। सो ये वैसकुलर बंडल्स के नाल बच्चों जड़ियाँ ए वालियाँ सानूं वाइट स्पेस नज़र आ रही है दैट इज़ ऑफ द मेडलरी रेज। मेडलरी रेज के जड़े सैल्स हैं दे आर पैरेनकाइमेटस एंड दे आर मेनली हेल्पफुल फॉर द रेडियल कंडक्शन। पिथ ने की करना है, पिथ विल बी स्टोरिंग द फूड एज वेल एज वाटर रिजर्व्स। सो दैट वॉज अबाउट द डायकॉट स्टेम। नेक्स्ट है बच्चों साढ़े कोल मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम दे विच ते डायकॉट दे विच मेन की डिफरेंस है। डायकॉट दे विच थोन दस्या कि सीड्स दे विच दो कॉटिलीडनस है, मोनोकॉट दे विच सिंगल कॉटिलीडन है। इस विच भी उस तरह ही जे असी लईए कि एपीडर्मिस जड़ा है दैट विल बी सिंगल लेयर्ड। सो बार वाली जड़ी लेयर है दैट इज ऑफ एपीडर्मिस। इस दे बिल्कुल बार बच्चों की प्रेजेंट है दैट इज द क्यूटिकल। देन हाइपोडर्मिस देयर कैन बी प्रेजेंट टू टू थ्री लेयर्स ऑफ हाइपोडर्मिस। ते जड़ा असी ग्राउंड टिश्यू विच असी डिस्टिंक्शन पढ़ी सी कि कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल है, पिथ है। सो बच्चों इस दे विच ये ध्यान रखना है कि मोनोकॉट स्टेम दे विच की हुंदा है देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, मेडलरी रेज और पिथ। सो इहदे विच जड़े ने वैसकुलर बंडल्स जड़े हैं दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबरस। डायकॉट विच असी बच्चों की पढ़िया सी देयर इज प्रेजेंट ओनली रिंग ऑफ वैसकुलर बंडल्स। इहदे विच की ने देयर आर प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ वैसकुलर बंडल्स। सो वैसकुलर बंडल्स इस दे विच पढ़िए असी दे आर न्यूमरस एंड दे आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू दे विच स्कैटर्ड हैं क्योंकि इत्थे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है एंडोडर्मिस पेरीसाइकल वगैरह दी। ते हुण असी देखिए कि वैसकुलर बंडल की है दैट इज कॉनजॉइंट। कॉनजॉइंट मीनस जाइलम एज वेल एज फ्लोएम इज प्रेजेंट। फ्लोएम बच्चों इस दे बिल्कुल बार प्रेजेंट है सो दैट मीनस कोलेट्रल। दैन एंडाक, एंडाक मीनस प्रोटोजाइलम एलीमेंट्स दे लाइट टुअर्ड्स इनर साइड एंड मैटाजाइलम टुअर्ड्स आउटसाइड क्लोज्ड। इहदे विच सानूं कोई कैम्बियम दी स्ट्रिप नहीं नज़र आ रही। और बच्चों इस विच जाइलम जड़ा है वह वाई शेप है, तुहानूं नज़र आ रहा है जाइलम इज वाई शेप। इहदे विच आ उपर वालियां दो की ने दे आर मैटाजाइलम वैसल्स। डंडी विच की ने, वाई दी डंडी विच की ने प्रोटोजाइलम वैसल्स। ते बच्चों इहदा एक खास फीचर हुंदा है देयर इज प्रेजेंट अ लाइसी जीनस कैविटी। इहदे बिल्कुल थल्ले आ ब्लू कलर दी सानूं नज़र आ रही है दैट इज लाइसी जीनस कैविटी। सो बच्चों इहदा मेजर डिफरेंस डायकॉट स्टैम नालों की हो गया कि डायकॉट स्टैम दे विच देयर इज डिफरेंसिएशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू जिस विच कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल वगैरह प्रेजेंट है। इहदे विच कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस दी। उस विच वैसकुलर बंडल्स जड़े सी बच्चों देवर ओपन। कॉनजॉइंट कोलेट्रल एंडाक तां सी लेकिन ओपन सी, इहदे विच की है दैट इज क्लोज्ड। ते इहदे विच मेजर फीचर जड़ा है दैट इज द लाइसीजीनस कैविटी। सो दैट वॉज अबाउट द डायकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। सो बच्चों मैनू होप है कि तुहानू इस दे बारे पूरी क्लैरिटी हो गई होगी टिशू सिस्टम्स ते स्टेम्स बारे। थैंक यू।